दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस में हमें फोकस करना ब्रांड बिल्डिंग पे, तो हम तो चले जाएंगे अमेजोन भैया के पास कि अमेजोन भैया हमें एक स्ट्रांग ब्रांड बनानी है, अपना एक स्ट्रांग ब्रांड बिल्डिंग करना है। तो अमेजोन भैया बोल देगा तुमने लिस्टिंग बिस्टिंग वो सब तो अच्छे से कर लिया, बट यहाँ पे अमेजोन के अंदर और भी एक ऑप्शन आएगा। आप बोलोगे कौन सा ऑप्शन है, तो अमेजोन भैया बताएगा ब्रांड स्टोर का। आप बोलोगे ब्रांड स्टोर क्या होता है, राइट? काफी सारी चीज सुनी थी, ब्रांड स्टोर पे नई चीज आएगी। यस एग्जैक्टली, तो ब्रांड स्टोर कैसे क्रिएट करना होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल के अंदर समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं ई कॉमर्स सेलर हूं। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरा हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वीडियो सीरीज बनाने के पीछे बहुत ही मेहनत लग रहा है। प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो, तो वहां पे सारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज होगा वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो भी वीडियो के अपने शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे हो अमेजोन ब्रांड स्टोर, कि अमेजोन पे हमें क्या करना है, ब्रांड का अपना स्टोर बनाना है। तो कैसे बना सकते हो, प्रोसेस तो देखेंगे, उससे पहले अपने समझ लेते हैं कि अपने पास क्या होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे हमको चाहिए ट्रेडमार्क। आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क नंबर होना चाहिए। ट्रेडमार्क यहाँ पे रजिस्टर है या तो रजिस्टर नहीं है वो डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। बट आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क आपने अप्लाई कर दिया तो भी चलेगा, आपने आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया तो भी चलेगा, दोनों यहाँ पे चलेगा। बट आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क नंबर यहाँ पे होना चाहिए। जैसे आपके पास ट्रेडमार्क नंबर होता है तो उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा, अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री, अमेजोन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ब्रांड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आपने ब्रांड रजिस्टर करवाया होगा तब भी आपको ब्रांड स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आपकी ब्रांड रजिस्टर है ही नहीं तो ब्रांड स्टोर कहाँ से क्रिएट कर पाओगे। तो अमेजोन के यहाँ पे सिंपल स्टेप है कि आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए, ट्रेडमार्क आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक उसका जनरल का एजेंट रहते हैं तो एजेंट के थ्रू आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ट्रेडमार्क नंबर जैसे आता है अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री यहाँ पे करवा दो। एंड ब्रांड रजिस्ट्री के बाद अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक ब्रांड स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्रांड स्टोर कैसे क्रिएट करना है वो सबसे पहले जान ले, उससे पहले अपने देख लेते हैं ब्रांड स्टोर दिखता कैसे है, कहाँ पे वो हमको दिखेगा। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लिस्टिंग आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने जिम शेकर का एग्जांपल लेके पूरा चल रहे हैं, तो जिम शेकर का एग्जांपल यहाँ पे भी ले लेते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, थोड़ा फिटनेस भी चाहिए, लाइक तो जिम शेकर का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। कुछ मैंने प्रोडक्ट को ऑलरेडी ओपन करके रखा है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, हमको ब्रांड स्टोर कहाँ से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे कि उसका टाइटल होता है, टाइटल के नीचे हमको एक चीज़ देखने को मिलेगी, विजिट द कॉक टू, जो भी उसका उसका ब्रांड का नाम होगा वो देखने को मिलेगा। पीछे की साइड पे स्टोर वर्ड लिखा होगा, उस पर जैसे ही अपने क्लिक करेंगे तो ये जो ब्रांड है उसका क्या ओपन हो जाएगा, ब्रांड स्टोर ओपन हो जाएगा। कब ओपन होगा, जब क्रिएट किया होगा तब। अगर किसी ने सपोज मतलब क्रिएट ही नहीं किया तो यहाँ पे ओपन नहीं होगा, पर जब किसी ने ब्रांड स्टोर क्रिएट किया होगा तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसका ब्रांड स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ब्रांड स्टोर यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पीछे की साइड पे सबसे बड़ा एक बैनर होता है, फिर यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं, पर इसने यहाँ पे लोगो ऐड नहीं किया हुआ, अदरवाइज यहाँ पे जो अपने ब्रांड का नाम है उसके आगे यहाँ पे अपने लोगो पे ऐड कर सकते हैं। दूसरी ब्रांड के अंदर अपने देखते हैं जिसकी बोल्ड फिट है, राइट? तो देखो इसने यहाँ पे लोगो ऐड किया हुआ है, राइट? यहाँ पे लोगो दिख रहा, तो लोगो पे अपने पास ऐड करने का ऑप्शन आता है। दूसरी भी एक ब्रांड है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, देखो इसने भी यहाँ पे लोगो ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे लोगो आएगा, लोगो के बाद अपने अगेन अपने ब्रांड का नाम आएगा, राइट? उसके ये सबसे बड़ा बैनर हो गया, नाम हो गया। उसके बाद इसी तरह अलग अलग पेज हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डील्स हो गया, ट्रेडमिल्स हो गया, माउंटेन बाइक्स हो गया, होम जिम हो गया, इस टाइप के उसने क्या किया, वो अलग अलग पेजेस क्रिएट किया हुआ है। जैसे इसका मतलब क्या, ब्रांड स्टोर का सिंपली मीनिंग होता है मिनी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के हम अलग से बनाते हैं, पर अमेजोन पे हमको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप हमको हमारी खुद की वेबसाइट ब्लैक बना सकते हैं विद इन अमेजोन। बाकी तो क्या होता है, लिस्टिंग होता है, प्रोडक्ट होता है, टाइटल होता है, वो सब होता है, पर हमारी प्रोडक्ट को हमें एज ए वेबसाइट के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। एक ही साथ में हमको ज़्यादा प्रोडक्ट दिखानी है तो ब्रांड स्टोर के थ्रू हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि इसका होम पेज ही हम देख ले, होम पेज से भी हम देखते तो क्या हो गया, हमको सिर्फ सारा आइडिया आ गया भाई ये ब्रांड के पास कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो सारा आइडिया हमको इसके होम पेज देख कर आ सकता है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे उसने इन्फॉर्मेशन देकर रखा, कौन सी प्रोडक्ट है, मेनली किस में काम करिए, लाइक फिटनेस सेक्टर में काम करिए, तो ट्रेडमिल हो गया, साइकिल हो गया, लाइक आउटडोर साइकिलिंग हो गया, इस टाइप की इसके पास लाइक वॉच भी अवेलेबल है। दूसरे भी यहाँ पे देख सकते हैं डंबल्स थोड़ा बहुत हो गया, लाइक उस और भी यहाँ पे लाइक काफी सारे अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट हो गए, तो हमको क्या इसके होम पेज देख के आइडिया आ गया, तो ये क्या मिनी वर्जन हो गया वेबसाइट का विद इन अमेजोन, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग पेज की बात करें तो प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग पेज बना सकते हैं, जिसके जैसे कि इसने बनाया, अगर होम जिम का पेज बनाया तो वो पेज को जाकर हम विजिट करते हैं, तो घर पे जिम करने के लिए जो इक्विपमेंट होगा उसने क्या करके रखा है, यहाँ पे उसको बता के रखा हुआ है कि भाई ये सारा इक्विपमेंट है इसको आप होम एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी जो प्रोडक्ट वाइज भी अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल्स हो गया, तो यहाँ पे होम पेज भी को अपने विजिट कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो ट्रेडमिल्स, उसके पास जो भी अलग अलग टाइप की ट्रेडमिल अवेलेबल है वो सारी ट्रेडमिल उसने यहाँ पे दिखा दी,
राइट। तो यहाँ पे क्या अलग अलग अपने प्रोडक्ट के हिसाब से भी प्राइस क्रिएट कर सकते हैं राइट। दूसरी भी ब्रांड का अपने थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार सिर्फ देखने के लिए। देखो यहाँ पे भी इसका होम पेज देख के हमको काफ़ी सारा आइडिया लग जाता है। तो इसके पास कौन सी प्रोडक्ट है, देखो कितने टाइप के जिम शेकर और सब पता चल जाता है। बोटल है कितने टाइप की इसके पास है, 1 लीटर में अलग अलग कलर कौन से अवेलेबल है, स्टील में कौन सी बोटल इसके पास है, देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाती है। फूड के अंदर इसके जो अलग अलग सप्लीमेंट है, प्रोटीन के अलग अलग सप्लीमेंट है, तो कौन से यहाँ से हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस यहाँ पे देखो तो उसने क्या मल्टीपल पेजेस बनाकर रखा हुआ है राइट। तो ये सारे पेजेस हो गए। उसके बाद अभी अपने मेनली बात करते हैं कि इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। वो तो दिख लिया भाई अमेजोन पे कैसे दिखेगा, पर क्रिएट कहाँ से करना होता है तो उसके लिए मैं जाना पड़ेगा सेलर सेंट्रल के अंदर। यहाँ पे सेल 0 है, पर क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, मेरे एक दोस्त का अकाउंट है, मेरा अकाउंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजिंग का राइट। तो वहाँ पे मैं जाना है कैंपेन मैनेजर के अंदर। कहाँ पे? कैंपेन मैनेजर, यहाँ जहाँ से हम एड रन करवाते हैं अमेजोन के अंदर, तो वहाँ पे कैंपेन मैनेजर के अंदर हम यहाँ पे एंटर करना है। तो पेज जैसे ही ओपन होता है उसके बाद यहाँ पे हमको आपको हार्ट देखना मिल जाएगा। यहाँ पे जो हार्ट आपको दिख रहा हो मेरा हार्ट नहीं है, कौन सा हार्ट है? अमेजोन का हार्ट है राइट। मतलब कि वैसे कि यहाँ पे ब्रांड का आपको ऑप्शन मिलेगा, ब्रांड कनेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोर का, तो स्टोर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ब्रांड स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्रांड स्टोर क्रिएट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी अमेजोन ने लाइक गाइडलाइन देकर रखा हुआ है, ओनली रजिस्टर्ड ब्रांड आर एलिजिबल, कि जो भी ब्रांड रजिस्टर होती है वही यहाँ पे सिर्फ एलिजिबल है। मतलब उसने क्या करवाना होना चाहिए, अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करवा के रखी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं करवाई है तो कहाँ से कर सकते हो, उसके यहाँ पे उसने लिंक देके रखा हुआ। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट के अंदर मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेमो अकाउंट है तो इसके अंदर क्या कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, तो यहाँ से आगे का प्रोसेस मैं नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रखा हुआ है राइट। जैसे कि यहाँ पे सिंपल हम जैसे यहाँ पे स्टोर के अंदर आ गए उसके बाद स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा पेज का, एड पेज का। सिंपली लाइक यहाँ पे कोई भी हमको कोडिंग नहीं करना है, कोई भी कुछ लिखना नहीं इसी तरह। तो सिंपली जैसे हमने ए प्लस कंटेंट करने का देखा, ब्रांच स्टोरी क्रिएट करने का देखा, सेम टू सेम सिस्टम इसका ही है। सिर्फ क्लिक के बेस पर सारी चीज चलती है। इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल, एक लाइन में 3 रखना है, 4 रखना है, बड़ी साइज का फोटो सिलेक्ट करना है, छोटी साइज का करना है, एक ही फ्रेम के अंदर 4 आ जाए इस टाइप का करना है। तो यहाँ पे भी हमको सब ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने जैसे देखा था अलग अलग पेजेस थे राइट। यहाँ पे हमने जैसे देखा अलग अलग पेजेस, ट्रेडमिल हो गया, अलग माउंटेन बाइक्स हो गया, तो इस टाइप के हमें पेजेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पेज के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एड न्यू पेज करेंगे, तो जो भी हमके हमारी प्रोडक्ट है, जिम शेकर हो गया, बोटल हम सेल करें, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट हम सेल करें, वो सबके अलग अलग पेज यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद राइट हैंड साइड पर हमको दूसरी एक चीज दिखेगी, वो है अलग अलग कंटेंट की रिगार्डिंग। एड ए न्यू सेक्शन, क्या आपको न्यू सेक्शन एड करना है भाई? न्यू सेक्शन के अंदर आपको क्या एड करना है? जैसे कि आपको फोटो एड करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया, सिर्फ प्रोडक्ट ऐड किया है, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही ऐड करना है या तो फोटो के साथ प्रोडक्ट ऐड करना है, दोनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो राइट। जैसे कि यहाँ पे होम पेज के अंदर जाएंगे तो हमको जो बेटर आइडिया है, देखो इसने क्या किया, एक बड़ा सा बैनर बनाया, उसको 4 पार्ट के अंदर उसने क्या इस टाइप का फोटोज बनाकर यहाँ पे डाला हुआ है। नीचे की साइड पे और एक बड़ा सा बैनर बनाया हुआ है राइट। तो इस टाइप का आपको सेक्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कौन सी चीज ऐड करनी है, बड़ा बैनर ऐड करना है या तो एक ही उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 पार्ट के अंदर है, एक साइड इसने हॉर्स का पूरा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, यहाँ पे दूसरा ट्रेडमिल का उसने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। तो एक जो पूरा पेज है तो उसको 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट करना है, 4 पार्ट के अंदर स्प्लिट करना है, तो वो भी चीज़ पॉसिबल है। नीचे की साइड देख लेते हैं, देखो यहाँ पे अलग 4, मतलब वो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऑप्शन है, बाकी इस टाइप के 4 फोटोज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप का हमको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। ये बड़ा सा और बैनर डाला हुआ है, फिर दूसरे के ब्रांड में जाके देखते हैं अपने, तो वहाँ पे और भी हमको थोड़ा समझ शायद आ जाए और डिटेल को देखने को मिल जाए। या बड़ा सा इसने बैनर यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे क्या देखो इसने भी क्या मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक प्रोडक्ट के सिर्फ यहाँ पे फोटोज दिखाए हुए। देखो आप यहाँ पे भी उसने 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट किया हुआ है, एक साइड पे अलग योगा मैट दिखाया हुआ है, दूसरी साइड पे जिम शेकर और फिटनेस की प्रोडक्ट यहाँ पे और दिखाई हुई है। लाइक ये भी देखो तो यहाँ पे अलग बड़ा सा अलग एक बड़ा सा क्या बैनर लिखा हुआ है, एंड उसके अंदर भी क्या वहाँ पे हमको क्या शॉपिंग के वो बटन मिल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट पे क्लिक करने से कौन सी प्रोडक्ट ओपन होनी चाहिए। तो वो भी बहुत सिंपल चीज़, यहाँ पे कोई भी कोडिंग करने की कोई भी चीज़ लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट का ASN कोड जो होता है वो हमें यहाँ पे सिर्फ एंटर कर देना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर जैसे ही कोई कर्सर ले जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लिंक होने लगेगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। देखो इसने क्या किया, 3 पार्ट के अंदर स्प्लिट किया हुआ है कि एक यहाँ पे जो 2 लीटर वाला बोतल है, बड़े बड़े बोतल वो हो गया, नीचे की साइड उसने स्टील वाला बोतल बताया हुआ है, एंड इस साइड पे 1 लीटर वाला जो दूसरे बोतल है उसको दिखाया हुआ है। तो इसी तरह 3 पार्ट के अंदर आप स्प्लिट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके सामने मतलब यहाँ पे जो हम जाएंगे ना, यहाँ पे जैसे कि एड न्यू सेक्शन पे जाएंगे तो हमको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कौन सी टाइप की चीज़ ऐड करनी है, बड़ा बैनर ऐड करना है, छोटा करना है, स्प्लिट करना है, ऐसे करना है, वो सारे हमको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस था ब्रांड स्टोर क्रिएट करने का। आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ तो मैं दिखा नहीं पाया, बट मैंने लग मोटी मोटी जो भी चीज़ थी कहाँ से क्रिएट
क्रिएट करना है, कौन से ऑप्शन आएगा, कौन से आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी आता है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्टली मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। राइट, आज की स्टूडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ई कॉमर्स बिजनेस एंड ऑनलाइन सेलिंग के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस मेरा जो पूरा प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो।